नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी और बेहद बुरी खबर इस वक्त आ रही है राजस्थान से। राजस्थान में आज सवेरे हुए 2 अलग अलग हादसों में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। बहुत ही बुरा यह हादसा हुआ है, 4 युवक जिंदा जल गए हैं। इसके अलावा कई अन्य गंभीर रूप से जले हुए हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं। यह हादसा कोटा और बाड़मेर जिले में हुआ है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। बहुत ही बुरा यह हादसा है। बाड़मेर जिले में हुए हादसे के बारे में बाड़मेर पुलिस ने बताया कि आज सुबह जोधपुर बाड़मेर हाईवे पर डोली अराबा गांव के नजदीक एक घटना हुई। पुलिस ने बताया कि आज सवेरे हाईवे से होकर गुजर रहे एक ट्रक और ट्रेलर में आमने सामने की टक्कर हो गई। ट्रेलर और ट्रक दोनों का केबिन पिचक गया और उसमें बैठे लोग उसमें फंस गए थे। अचानक ट्रेलर में शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई थी। केबिन जलने लगा और फिर डीजल टैंक में धमाका हुआ। ट्रेलर में फंसे चालक और खलासी दोस्तों दोनों की मौत हो गई थी। वहीं दोस्तों, उधर कोटा जिले में भी बेहद बुरा हादसा हुआ। कोटा के सिमलिया थाना इलाके में ये घटनाक्रम हुआ है। सिमलिया थाना इलाके में बोरिंग करने के लिए झालावाड़ से बोरिंग करने वाली मशीन मंगाई गई थी। आज सुबह ट्रक में रखी बोरिंग मशीन को बैग लेने के दौरान मशीन का एक पाइप बिजली के तार से टकरा गया और टूट गया था। इसे जांचने के लिए ट्रक में बैठा खलासी पप्पू सिंह नीचे उतरा तो वह करंट की चपेट में आ गया और उसके शरीर में भी दोस्तों आग लग गई। कुछ देर के बाद उसे देखने के लिए कमलेश भी नीचे उतरा तो वह भी आग की चपेट में आ गया था। दोनों की मौत हो गई है, यानी कि 4 लोगों की मौत हो गई है। बेहद बुरी खबर राजस्थान से आ रही है। आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं और प्रत्येक जानकारी मैं आप तक पहुंचा रहा हूं ताकि आप सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाएं, आराम से गाड़ी चलाएं ताकि सड़क हादसा ना हो। लेकिन आप दोस्तों गाड़ी की रफ्तार तेज करके चलते हो, ना अगल देखते हो ना बगल देखते हो और अंधाधुंध गाड़ी चलाते हो, उसका अंजाम भी आप हाथों हाथ देख सकते हैं। तो बेहद बुरी खबर। आप सभी से यही विनती है कि गाड़ी धीरे चलाएं, आराम से चलाएं।